रतलाम में कोरोना लॉकडाउन का पालन करने के लिए सड़क पर निकले नगर निगम के अमले द्वारा बार बार की जाने वाली चालानी कार्रवाई से शहर के खुदरा फल व्यवसायी आक्रोश में आ गए। आज चालानी कार्रवाई करने पहुंचे दल को इस आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोश में फल व्यवसायियों ने सड़क पर फल फेंक दिए और कार्रवाई करने आए दल के सामने कहा कि पहले ही हम लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ने से परेशान हैं और अब बार बार चालान के नाम पर परेशान किया तो अब जहर खा लेंगे। लॉकडाउन खुलने के बावजूद व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। कारण छोटे व्यापारी अपने व्यापार करने जब सड़कों पर ठेला लगाने लगे तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जबरन 100 से 500 रुपए तक का चालान काट कर ऐसे छोटे व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है। आज फवारा चौक पर फल का ठेला लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई करने पहुंचे नगर निगम के कर्मचारियों को फल व्यवसायियों के आक्रोश छा गया। सभी फल व्यवसायियों ने विरोध किया तो नगर निगम का अमला फल सहित अन्य सामान जब्त करने लगा। ऐसे में आक्रोशित कुछ फल व्यवसायियों ने अपने फल सड़क पर ही फेंकना शुरू कर दिए। हंगामा बढ़ता देख नगर निगम के कर्मचारी वहां से उल्टे पांव लौट गए। इसी बीच एक फल व्यापारी महिला को अफरा तफरी के कारण पेड़ में चोट भी लग गई। टीम भारती न्यूज नाम है। क्या करते हो तुम? फल फ्रूट का ठेला लगाती हूँ। क्या परेशानी हुई आज? परेशानी यही है, नगर निगम पुलिस प्रशासन सभी परेशान कर रहे हैं सर। उधर से सबको ठेला गाड़ी वालों को भर भर के ला रहे हैं, हटाओ गाड़ी। तो हम कहाँ से हटाएंगे? गली में कब तक घूमेंगे? ठीक है, गलियों में जाओ। अब मेरा पैर में साटिका हो रही है, मैं कहाँ घूमूंगा ये बताओ? कोई मेरा बच्चा जवान नहीं है जो ठेला गाड़ी का सीट के ले जाएगा। उधर से आया पूरा ठेला गाड़ी वालों को उन्हें भगा दिए। मैंने बोला सबसे, मैंने कि यहीं रुको ठेला गाड़ी, सब यहीं रुको, कोई भी मत भगो, आगे अपन बात करते हैं। वो आया जैसे गाड़ी लेके, मैं से गिरा, भाई हटाओ। मैंने कि नहीं हटूँगा सर, मेरे से गाड़ी तुकती नहीं, पहली बात तो कहाँ से हटूँगा? तो कहीं नहीं, हटाना पड़ेगी, नहीं तो भर के ले जाएंगे। कि भर लो, भरो, तुम्हारे पास ताकत हो तो भर के ले जाओ, या फिर मैं खुद बंदी कर दूँ। मैंने लगा कि 2-3 किलेट आम का तो फेंक दिया, धड़ाधड़ नीचे फेंक दिया, मिर्ची डोल दी, सब फेंक दिया मैंने। फेंका फेंकी करके ना वो चचराट नगर निगम में भग गया, वापस भग गया वो यहाँ से। अरे क्यों परेशान कर रहे हो गरीबों को? है गरीब को चोरी नहीं कर रहे, ना डाका डाल रहे, हम हमारी मेहनत का खा रहे हैं। और कहते हैं प्रशासन कहती है कि ठेला गाड़ी वाले से कोरोना फैल रहा। ठीक है सर, ठेला गाड़ी वाले से कहाँ से कोरोना फैल रहा? सब ठेला गाड़ी वाला हम सही सलामत है, किसी के हमारे बीमार नाखून में भी दर्द नहीं हुआ है। ये लॉकडाउन लगा था, आप लोगों को आर्थिक समस्या तो आई होगी? बहुत समस्या सर, हमारे डब्बे में अभी भी तुम देख लो, लोगों ने आटा बांटा उसमें भी कीड़ा पड़ रहे, वो जाके देखो डब्बे में आटा में कीड़ा पड़ रहे हैं। हमारे को बहुत परेशानी है, एक एक टाइम खा के हमने दिन निकाले, बहुत दिन निकाले। कलेक्टर ऑफिस आई मैं यहाँ पे, एडीएम ऑफिस साहब, मेरा कार्ड बनाओ बेचने का। चलो कार्ड बना दिया, फिर भी मैंने 15-20 दिन तक घूम फिर के बेचे ही सही क्या बेचा। ये तो बिल्कुल अत्याचार कर, कभी 250 की रसीद, कभी 500 की रसीद, कभी ठेला गाड़ी थाना में बिल्कुल ही तबाह कर दिया, कभी माल जब्त कर लिया। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं व्यवस्थित हमारे को दुकान दे, हम कोई पूरा पालन करेंगे इनका। हम ग्राहक को बिल्कुल भीड़ नहीं करेंगे, भीड़ कुछ भी नहीं करेंगे, ग्राहक लेगा और चल देगा। क्या नाम है आपका? ममता। ये क्या हुआ था थोड़ी देर पहले आपके यहाँ पर ठेले पे? ये ठेले पे होया, नगर प्रशासन वाला आए हमारे तो बोल रहे कि ठेला गाड़ी हटाओ यहाँ से, नहीं तो आपकी ठेला गाड़ी भर जाएंगे आप। हमने बोला हम सर हम कहाँ जाएंगे, तो गली गोचे में जाओ। और मैं वहाँ पर बात करने के लिए गई, मेरे को आग दिखा रहा, रुके गया इनका मोबाइल जब्त करिए। पहले सबसे पहले मैंने इनकी तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी मैं, तुम हमारे साथ में ना हिंसा भी कर रहे हो, हम ठेला गाड़ी भर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं। हमारे से बोल रहे कि नहीं ठेला गाड़ी हटाओ, ये तो आपकी गाड़ी आएगी तो आपको भर जाएगी। तो ठेला गाड़ी वाला ये नगर निगम वाला आया ना, हमारे ठेला गाड़ी के बंदे के चक्कर में मैं नाली में यहाँ पर गिर गई और मेरा ना पैर पे ना बहुत भयंकर चोट आई यहाँ पर ये। और जिसके बाद में मेरे इनसे बोला मैंने कि मेरे पति निकलेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे किराए का मकान है, सब कुछ है, मैं बच्चों को लेके यहाँ पर ठेला गाड़ी लगाती थी। कोरोना के अंदर मेरे को डर भी लगता है, बच्चे के साथ में भी सो रहा हमारा, और तो भी डर नहीं है इनको नगर पालिका वालों का, चाहे गरीब है कि कुछ है, इनकी तो तनख्वाह आ जाएगी, ये घर घर चला लेंगे, हम कहाँ से चलाएंगे? हम तो फल फ्रूट बेचने वाले हैं, हमारे तो रोज कुआ खोते हैं, रोज पानी पीते हैं, हम तो हमारा कच्चे धंधा हमारे तो भी ना, हमारे तो ठेला गाड़ी बचे यहाँ पर, बिल्कुल ठेला गाड़ी नहीं होनी। चालन भी काट रहे, चालन भी काट रहे हैं, 500 का काटते हैं, कभी 200 का काटते हैं, कभी 300 का काटते हैं, कभी 50 रुपए का काटते हैं, मतलब अनलिमिटेड इनकी चालन काटने की, हम मर्जी के साथ चलते हैं ये लोग। लॉकडाउन में किस तरीके से आपने दिन निकाले थे? बहुत मुश्किल से निकाले लॉकडाउन में दिन, हमारे इतनी मतलब परेशानी आई कि जिससे हद नहीं है, ना हमारे को ना सब्जी बेचने दी, ना फल बेचने दिया, कुछ भी बेचने दिया, हमारे कैसे कैसे हमने घर गुजारा करा, मकान वाले ने किराया भी हमने बहुत मुश्किल से दिया है, मतलब ना मकान वाले किराया छोड़ता है ना कुछ भी छोड़ता है। ऐसा लॉकडाउन ये सरकार सिर्फ कहने की है, खाली गरीब लोगों की कोई सुनता ही नहीं, खाली कचरा पत्ता समझ रखा गरीब लोगों का तो बिल्कुल नहीं।
यूँ सस्ता करें, कहीं महिला गिर गई है तो कुछ नहीं, तो अभी गाड़ी हटाओ यहाँ से। कोई दिया नहीं है, मतलब प्रशासन के दिल में तो कोई दिया नहीं, मतलब बिल्कुल हाथ से जाता है, कुत्ते खड़े की जिंदगी कर रखी है हमारी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, क्या समस्या आ रही फल बेचने में आपको? सर ये आए दिन क्या नगर निगम परेशान करती है यहाँ पे आके, वो आते हैं बोलते चालान कटवाओ, नहीं कटवाओ तो ठेला गाड़ी भर लेंगे, अगर चालान कटवा लोगे तो आप व्यवस्थित खड़े रहोगे आपकी जगह पे, चालान काट के चले जाएगी। हम चालान काटते हैं ये लोग, ये 250 रुपये का, कभी 500 का, जो जब उनकी मर्जी पड़ेगी उतने का चालान काट के जाएगी। वो कोई फीस निर्धारित नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगी। हमने एक बार उनसे निवेदन करा, हमने चालान, हमने उनको बोला कि चालान बना दो हम कोर्ट में भरेंगे, बोले कि नहीं कोर्ट में नहीं भर सकते आप चालान, नहीं हाथों हाथ स्पॉट पर काटना पड़ेगा चालान आपका। आज क्या हुआ था? आज भी यही हुआ कि नगर निगम आई, दो गाड़ी लेके आई सर, और ना आगे खड़े होगा सब ठेला गाड़ी वालों को बोले ठेला गाड़ी भर लो सब, तो फिर वो ठेला गाड़ी भरने लगे, तो हमने फिर यास्मीन सेलानी को, महेश भैया को उनको फ़ोन लगाया, वो भी आए, फिर इतने में वो आए, इतने में नगर निगम चला गया वापस। ये आए दिन परेशान करते हैं हम लोगों को नगर निगम। अच्छा लॉकडाउन में क्या समस्या आई थी आपको? लॉकडाउन में तो बहुत समस्या थी सर, 2 महीने से घर बैठे हुए थे, ठेला गाड़ी लगाने किसको भी नहीं दे रहे थे, 2 महीने तो घर बैठे थे और 2 महीने तो बहुत परेशान हो गए। हमारे यही निवेदन है कि बस वहाँ को जब हमारे व्यवस्थित जगह हम ना खड़े हुए फुटपाथ के ऊपर, हमारे खड़े रहने दो, परेशान नहीं करो, ज़्यादा परेशान करेंगे तो फिर इसके आगे यानी कुछ भी दुर्घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार प्रशासन है और नगर निगम है। ज़्यादा नगर निगम परेशान करती है, आए दिन काटा पाट उठा जाती है हम लोगों के, माल की धमकी देती है, बोले माल भर लेंगे आपका, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.